So this is the preparation from the enol reagent. Treating enol reagent with carbon dioxide will give you this addition product, and then after the hydrolysis you will get the required product. Okay, now it's okay. Now come to bit of physical properties. See, again, physical properties mean melting, boiling point. They are solid, they are gaseous, they are soluble in water. These are all the physical properties. So talking about the physical properties, they are these carboxylic acids. Up to 9 carbon atoms, they are liquid, and then higher will be the solids as usual, because as the number of carbon atom will increase, the van der Waals forces of attraction increase, it will move from liquid to the solid. Theek hai? And if the number of carbon atom will increase, then we can say that a non-polar part will be increased. So higher member will be insoluble or less soluble in water, but lower member will be soluble in water, as when going from the lower carbon atom to the higher carbon atom, the non-polar part increases, and hence the beta hydrogen bonding decreases. Okay, so if we will talk about the solubility, the lower will be soluble due to hydrogen bonding, and the higher will be less soluble due to the less hydrogen bonding. Which kind of hydrogen bonding is this? This is intermolecular hydrogen bonding. ठीक है, ओके. सो टॉकिंग अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट बेटे जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि उनमें अगेन जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, दे आर इवन हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट देन वाटर, क्योंकि इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर कह रही हूँ एल्कोहल, इट विल कम इन द एग्जाम ऑल्सो. अगर हम बात करें ना बेटे इनकी बॉइलिंग पॉइंट की, so you are asked with the why the boiling point of these are more than alcohol, kyunki inki jo hydrogen bonding hai wo alcohol se bhi zyada strong hai. Inki jo hydrogen bonding hai wo alcohol se bhi zyada strong hai. If I'll show you like this, iska H next ke O ke sath hydrogen bonded hota hai. Okay, ये जो डाइमर्स बनाते हैं इसके कारण की हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा हाई हो जाती है. ठीक है बेटे, नेक्स्ट कम मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट अगर हम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का देखें तो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का, जैसे हम एल्केन की बात करते थे, तो इन द सेम वे इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा, क्योंकि ऑल्ट्रेशन अफेक्ट है, ये क्रिस्टल लैटिक्स में ज्यादा फिट हो जाते हैं. तो मेल्टिंग पॉइंट में बेटे यू विल राइट इवन नंबर का मोर होता है ऑड नंबर से. क्यों? क्योंकि ऑल्ट्रेशन इफेक्ट, जो इवन नंबर हैं वो जल्दी फिट हो जाते हैं एज कंपेयर टू ऑड नंबर. ओके, नाउ कम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज एसिडिक नेचर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड. This is the most important part, बेटे. इसमें आपको arrange the carboxylic acid in the increasing order of their acidity आ जाता है. तो जब हम बात करते हैं बेटे acidic nature की, acidic nature का मतलब है कोई चीज जो H positive दे रही है, ठीक है, तो means base के साथ react करेगी obviously. Base एक metal भी हो सकता है, ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड भी हो सकती है, मेटल कार्बोनेट भी हो सकती है, मेटल बाइकार्बोनेट भी हो सकती है. तो आप एसिड को किसी के साथ मर्जी रिएक्ट कर सकते हो, एक मेटल के साथ रिएक्ट कर सकते हो, उसकी हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर सकते हो, उसकी कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर सकते हो, उसकी बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर सकते हैं. ठीक है, ये रिएक्शन आप यू आर डूइंग फ्रॉम द जूनियर स्टैंडर्ड, एवरी टाइम यू विल गेट अ सॉल्ट
और अगर आपका अकेला मेटल है तो साथ में हाइड्रोजन, अगर आपका हाइड्रोक्साइड है तो साथ में वाटर, अगर आपका कार्बोनेट्स हैं तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। तो दिस सिलेक्शन यू आर वेरी मच अवेयर। तो बैलेंस अकॉर्डिंगली, तो आपको बेटे किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करके डिपेंडिंग आपने बेस जो भी आप लेते हो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। आप अगर जिंक लेते हो तो आपको जिंक का सॉल्ट मिल जाएगा, अगर आप कैल्शियम लेते हो तो कैल्शियम का सॉल्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब ये एसिडिक क्यों है, या दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड, आप क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हम एल्कोहल फिनॉल में करते थे, वी यूज्ड टू से दैट फिनॉल आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल, नाउ दीज आर इवन मोर एसिडिक देन फिनॉल्स, क्योंकि जो इसका जो कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा वो ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज है एज कम्पेयर टू द एसिड इटसेल्फ, ठीक है, एज कम्पेयर टू द एसिड इटसेल्फ। जब आपका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाती है, ठीक है। अगर आप RC OH को वाटर में डालते हो तो ऑब्वियसली ये जो हाइड्रोजन है बेटे H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा। अब जब ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, अब ये इस तरफ शिफ्ट होगा और ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये जो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बनाए, अगर इनको ध्यान से देखो बेटे, इनमें कोई भी हम कहते हैं कि फर्क नहीं है, ठीक है, दे आर सिमिलर। जब सिमिलर टाइप ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू डिसिमिलर। दोनों ही स्ट्रक्चर में हम एक टाइप के ही बॉन्ड देख रहे हैं, C OO-, C OO-, ऐसा स्ट्रक्चर हमें फिनॉल में नहीं मिला था। वी हैवेंट गॉट द स्ट्रक्चर इन द फिनॉल, इसलिए जो इसका प्रोडक्ट है जिसे हम कॉन्जुगेट बेस पेयर कह रहे हैं इस एसिड का, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टन लोरी कंसेप्ट, ये जो बेस पेयर है वो ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल किसके कारण है, रेजोनेंस के कारण स्टेबल है, इट इज स्टेबल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। अब जो इस एसिड से एच प्लस जल्दी निकालने में मदद करेगा वो इसको स्ट्रॉन्ग करेगा। अब ये एच प्लस जल्दी कैसे निकलेगा, देखो पहले तो हम एलिफेटिक एसिड्स की बात करें। एलिफेटिक एसिड में बेटे प्लस आई माइनस आई समझो पहले। मान लो मेरे पास फॉर्मिक एसिड है, मान लो मेरे पास एसिडिक एसिड है, देन आई हैव प्रोपेनोइक एसिड एंड लाइकवाइज आई ब्यूटेनिक, जितने मर्जी बना लो, ठीक है। ये हमें पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अकेली कार्बन है या मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप जो भी है, जिसका प्लस आई इफेक्ट है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है। अब हर केस में अगर मैं इसको एक केस आपको दिखाऊं, इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचनी है कि ये वाला हाइड्रोजन एज एच पॉजिटिव निकल जाए, ठीक है। मींस इसका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है इस ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए। अगर आप ऐसा ग्रुप लगा देते हो पीछे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, आपने ग्रुप क्या लगा दिया, मिथाइल जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, अब ग्रुप क्या लगा दिया पीछे, इथाइल दो कार्बन लगा दिए, वो ज्यादा डोनेट कर रहा है। अगर इसको पीछे से ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ये ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से क्यों खींचेगी, नहीं खींच पाएगी, इसलिए जो एसिडिक ऑर्डर है वो कुछ इस तरह हो जाएगा, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग फॉर्मिक एसिड हो जाएगा, फिर एसिडिक एसिड, देन प्रोपेनोइक एसिड, इफ यू हैव ब्यूटेरिक एसिड देन ब्यूटेरिक एसिड, इफ यू हैव पेंटेनोइक एसिड देन पेंटेनोइक एसिड,
मतलब जैसे जैसे आप कार्बन एटम इंक्रीज करते जा रहे हो बेटे, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती जा रही है, डिक्रीज करती जा रही है ऑब्वियसली, क्योंकि प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट आपका बढ़ता जा रहा है। ओके, नाउ माइनस आई पे आ जाओ। देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास फ्लोरो एसिडिक एसिड है, मेरे पास क्लोरो एसिडिक एसिड है, मेरे पास ब्रोमो एसिडिक एसिड है, एंड लाइकवाइज आई हैव आइडो एसिडिक एसिड। ठीक है, अब हमें पता है बेटे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, तो इसका मतलब सबसे माइनस आई इफेक्ट ये इसका हो गया फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का हो गया, फिर ब्रोमीन का हो गया, फिर आयोडीन का हो गया। जो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगी, ज्यादा खींचेगी, वो इस कार्बन से खींचेगी। अब ये कार्बन से ऑक्सीजन खींची थी, ऑक्सीजन किससे खींचेगी, ये वाले हाइड्रोजन से। अब इस हाइड्रोजन को एज एच पॉजिटिव निकलना ही पड़ेगा। मतलब जैसे जैसे माइनस आई इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है वो स्ट्रांग होता जा रहा है, इट विल बिकम स्ट्रांग, क्योंकि जितनी ज्यादा माइनस आई पावर इंक्रीज होती जा रही है उतना वो स्ट्रांग। मतलब फ्लोरो एसिडिक एसिड सबसे स्ट्रांग, देन क्लोरो एसिडिक एसिड, देन ब्रोमो एसिडिक एसिड, एंड देन देयर इज अ आइडो एसिडिक एसिड। ओके, गॉट द पॉइंट। एज द माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेस, द एसिडिक कैरेक्टर विल इंक्रीज। ओके, सो फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, दिस डिपेंड अपॉन द हैलोजन and also depend upon the number of halogen, ठीक है, also depend upon the number of halogen. Likewise, if you have fluoroacetic acid, ठीक है, then you have difluoroacetic acid, then you have trifluoroacetic acid, ठीक है। अब फ्लोरीन बढ़ते जा रहे हैं, फ्लोरीन बढ़ते जा रहे हैं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब जितने ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते जाओगे, वो क्या करेंगे, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो ये वाली कार्बन किससे खींचेगी, ये वाली कार्बन से। अब ये वाली कार्बन ऑक्सीजन से खींचेगी, ठीक है, ऑक्सीजन किससे खींचेगी, हाइड्रोजन से खींचेगी। तो हाइड्रोजन को एज एच पॉजिटिव बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो जितने ज्यादा माइनस आई वाले ग्रुप लगाते जाओगे, उतना आपका एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाएगी, मोर विल बी योर एसिडिक स्ट्रेंथ। व्हाट द पॉइंट। उसके बाद बेटे डिस्टेंस इफेक्ट भी होता है। मान लो आपके पास प्रोपेनोइक एसिड है, तो आपने प्रोपेनोइक एसिड में फर्स्ट टाइम फ्लोरीन यहां लगा दी, चलो मैं ब्यूटेनोइक एसिड लगा दूं, ज्यादा लग जाएंगी फिर, तो आपने फ्लोरीन यहाँ लगा दी, ठीक है, देन आपने फ्लोरीन लगाई इस पोजीशन पे, देन आपने फ्लोरीन लगाई बेटे इस पोजीशन पे। ओके, तो हम देख रहे हैं ये फ्लोरीन इस ग्रुप के बिल्कुल पास है, ये थोड़ी सी दूर हो गई, ये और दूर होगी। तो जितनी दूर होती जा रही है, मीन्स जितना डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, दिस इज कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट डिक्रीजेस विद द डिस्टेंस। एज द डिस्टेंस विल इंक्रीज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड टू द माइनस आई ग्रुप, द एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी डिक्रीज। हाँ जी, you are getting the point? Only 9 students are there. Yes bete, all of you are there. Mansi, Shivam, Tushar, Shitij, Lakshya, Manviya, Pritika, Supriya, Yashika, only Shivam is there. Start. ठीक है, now come, अच्छा अब आ जाओ aromatic acids पे। अब एरोमेटिक एसिड में तो सबसे पहले आ गया बेंजोइक एसिड, ये हो गया बेटे बेंजोइक एसिड,
अब देखो, अगर हम पहले इसको एलिफैटिक एसिड से कंपेयर करें, अगर हम एलिफैटिक एसिड से कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि इसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए या वीक होना चाहिए? टेल मी, इट शुड बी स्ट्रॉन्गर और वीकर? हाँ जी, एनीवन? बेटे, COH का होता है माइनस आर इफेक्ट, ये देखो ऐसे इफेक्ट होता है, ऐसे मीन्स ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचता है। जब ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचता है तो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। अब कार्बन के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो कार्बन इस ऑक्सीजन से क्यों इलेक्ट्रॉन खींचेगा? ये खींचेगा ही नहीं। अगर ये इलेक्ट्रॉन, ये जो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, इसने आगे शिफ्ट हो गया, मतलब कार्बन के पास डबल बॉन्ड हो गया ना बेटे, तो कार्बन ने अब ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचने ही नहीं, तो इसलिए ये वीकर एसिड हो जाता है। अगर मैं आपको फॉर्मिक एसिड दूं तो इट विल बी वीकर एसिड देन दिस। ओके, ठीक है। मगर ये जो कार्बन है, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड। अब sp2 हाइब्रिडाइज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है एज कम्पेयर टू sp3, एज कम्पेयर टू sp, तो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, मतलब एसिडिक एसिड से जो फर्स्ट एसिड आपका, उससे स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि एसिडिक एसिड जो है वो है बेटी sp हाइब्रिडाइज, और ये इलेक्ट्रॉन ये भी दे रहा है, ये भी ले रहा है, दोनों ले रहे हैं, ये आर के कारण ले रहा है, ये प्लस आई के कारण ले रहा है। ठीक है, मगर ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि इसमें जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब मैं आपको और भी करवाती हूँ बेटे, जो सी हमने सब्स्टिट्यूएंट की इफेक्ट करने हैं, तो आप ध्यान से इसको देखो पहले। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिक करेक्टर ऑफ एरोमेटिक एसिड, सो लेट अस स्टार्ट। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं आपको पेपर में। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एरोमेटिक एसिड्स। अब जैसे कि हमने एलिफेटिक एसिड में किया बेटे, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो एसिड को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, इसका मतलब इसके ऊपर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे तो इसको स्ट्रॉन्ग ही करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नाइट्रो ग्रुप लगा दूं, अब नाइट्रो ग्रुप में मेरे पास पैरा पोजीशन भी है, मेरे पास मेटा पोजीशन भी है, और आई हैव एन ऑर्थो पोजिशन टू। देखो, अब ऑर्थो और पैरा पे दोनों इफेक्ट लगते हैं, माइनस आर माइनस आई, माइनस आर माइनस आई, और मेटा पे अकेला माइनस आई। आर से कोई लेना देना नहीं है मेटा का, सो मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू दैट वो माइनस आर माइनस आई पैरा पे लगेगा बेटे, फिर मेटा पे अकेला माइनस आई, फिर ऑर्थो पे माइनस आर और माइनस आई। अगर ये देखा जाए तो आपका कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? हरी अप, एनी वन ऑफ यू? देखो बेटे, जिसमें
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा वो ऑब्वियसली स्ट्रांग होगा। इसमें क्या आप हमने क्या सोचना है। अब हमें दिख रहा है बेटे माइनस आर माइनस आई इसमें है, इसमें माइनस आर और माइनस आई है, मतलब माइनस आर दोनों में इक्विवेलेंट है, चाहे वो पैरा है चाहे वो ऑर्थो है, ठीक है। और हमें पता है कि ऑर्थो पोजीशन पे माइनस आई ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पैरा पोजीशन, ठीक है। ऑर्थो पोजीशन पे माइनस आई ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पैरा पोजीशन, तो सबसे वीकेस्ट इसमें मेटा हो जाएगा। और मेटम अगर स्ट्रोंग है, अगर अकेला हम बेंजोइक एसिड देखें तो बेंजोइक एसिड पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा, ठीक है बेटे, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं लगा। तो हमने क्या देखा कि जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा है वो ज्यादा स्ट्रोंग है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, ये तो हो गया नाइट्रो बेंजोइक एसिड, उसके बाद आ जाओ टॉल्विक एसिड। अब आ जाओ जी, सारे मैं एसिड बनाऊं, टॉल्विक एसिड, तो यू हैव अब यहाँ पे आप एक नई टर्म सीखोगे ऑर्थो फैट, तो ये है आपके पास ऑर्थो टॉल्विक एसिड, ये है आपके पास मेटाटॉल्विक एसिड, ये आपके पास है बेटे पैराटॉल्विक एसिड, ठीक है। अब इस ग्रुप का प्लस आई प्लस आर दोनों है, इस केस में ओनली प्लस आई है, इस केस में प्लस आई प्लस आर है, हाँ जी। अब आपके हिसाब से किसको सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और ये बेंजोइक एसिड भी तो कुछ भी नहीं है, तो जो मतलब बेंजोइक एसिड पे कुछ भी नहीं है तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है ही नहीं, ये सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अगर देखा जाए तो, इट मस्ट बी सबसे स्ट्रॉन्ग। देन प्लस आई प्लस आर, ऑर्थो पोजिशन पे प्लस आर सबसे ज्यादा लग रहा है, ठीक है। ये तो सबसे वीकेस्ट हो जाना चाहिए, जितना इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगेगा बेटे उसको उतना वीक बनाएगा। इसमें अकेला प्लस आई है तो इसको इस पोजीशन पे आना चाहिए बेंजोइक एसिड के बाद, और इसमें प्लस आई प्लस आर है इसको मेटा पोजीशन पे के बाद आना चाहिए, और ऑर्थो को सबसे लीस्ट एसिडिक होना चाहिए, ठीक है। मगर यहाँ पे एक ऑर्थो फैक्ट आता है जो आपकी बुक्स अभी एक्सप्लेन नहीं करती, क्या होता है ऑर्थो फैक्ट। ऑर्थो फैक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में लगता है बेटे, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में, जो एक स्टेरिकली कंसिडरेशन ली जाती है। इस इफेक्ट के हिसाब से ऑर्थो पोजीशन पे चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो, आपका एसिड वीक ही होगा, स्ट्रॉन्ग ही होगा, ठीक है बेटे। आपका जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग ही होगा, चाहे आप ऑर्थो पोजीशन पे प्लस आई लगाते हो, प्लस सॉरी माइनस आर लगाते हो या प्लस आर लगाते हो, जो एसिड है वो आपका स्ट्रॉन्ग ही होना है, दैट इज कॉल्ड ऑर्थो फैक्ट, ठीक है। मतलब ऑर्थो को हमने फर्स्ट पोजीशन पे लगना है, सिर्फ एक एक्सेप्शन केस आते हैं जिसमें ऑर्थो को हम फर्स्ट पोजीशन पे नहीं रखते, अदरवाइज ऑर्थो हमेशा फर्स्ट पोजीशन में, दैट इज स्ट्रॉन्गली एसिडिक होना है, चाहे आप प्लस आर वाला ग्रुप लगाओ चाहे आप माइनस आर वाला ग्रुप लगाओ, ठीक है। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाता है ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। अब इसके बाद फर्स्ट नंबर पे ये आ गया, सेकंड नंबर पे बेंजोइक एसिड आएगा स्ट्रॉन्ग में, क्योंकि बेंजोइक एसिड में कुछ भी नहीं लगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो है वो मेन एसिड से वीक करता है, ये सारी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग लगाए हैं तो ये मेन एसिड से आपका जो है ये वीक करता है, तो सेकंड नंबर पे ये आ जाएगा। अब थर्ड नंबर पे अगर हम यहाँ आए बेटे, मेटा पे सिर्फ प्लस आई लग रहा है और इधर प्लस आई और प्लस आर दोनों लग रहे हैं, ठीक है। तो अकेला एक ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है तो थर्ड नंबर पे ये है, और लास्ट में वीकेस्ट आपका पैरा वाला हो जाएगा, दैट इज पैरा एसिड। गॉट द पॉइंट, ओके।
अब आ जाओ हाइड्रोक्सी एसिड्स पे। अब आपके पास अगेन बेटे वन इज बेंजोइक एसिड, वन इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, वन इज मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, वन इज, अरे चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही बना लो ये, पर आपको समझ नहीं आना जल्दी से, 1 मिनट। आप चाहे ऐसे जैसे बना हुआ है बेटे, मैंने मॉलिक्यूल किस तरीके से देखा, पर चलो आपको समझाना है तो लेट मी राइट लाइक दिस ओनली। ठीक है, अब OH ग्रुप का बेटे प्लस R और माइनस I इफेक्ट होता है। ठीक है, मींस यहाँ पे सिर्फ माइनस I लग रहा है, यहाँ पे प्लस R माइनस I, मगर ऑर्थो पोजीशन है तो यहाँ पे इन इफेक्ट को नहीं देखा जाएगा, हम ऑर्थो इफेक्ट ही देखेंगे। ठीक है, समझ आ गई। अब ऑर्थो इफेक्ट के कारण जो ऑर्थो वाला होगा सबसे स्ट्रोंग हो जाएगा। ठीक है, ऑर्थो वाला सबसे स्ट्रोंग, इसको तो छोड़ ही दो ना, ये फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, उसके बाद ये माइनस आई वाला है। ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो सेकेंड पोजीशन पे ये आ जाएगा। अब यहाँ पे बेटे प्लस आर भी लग रहा है, प्लस आर भी लग रहा है, माइनस आई भी लग रहा है, प्लस आर इफेक्ट ज्यादा होता है, प्लस आर इफेक्ट मोर है एज कंपेयर टू माइनस आई, क्योंकि माइनस आई जो आई इफेक्ट है बेटे दैट इज अ डिस्टेंस इफेक्ट, पैरा पोजिशन पे डिस्टेंस बहुत दूर चला जाता है, तो माइनस इतना लग नहीं पाता जितना प्लस आर लगता है, इसलिए पैरा जो है वो बेंजोइक एसिड से वीक हो जाती है, बेंजोइक एसिड से बेटे वीक हो जाती है। आपको अरेंज द ऑर्डर आ जाता है इसमें, तो आपको ये पता होना चाहिए। ओके ठीक है, हाँ जी, गेटिंग द पॉइंट। मानसी, तुषार, गुंजोत, क्षितिज, मानविया, सुप्रिया एंड यश, यशिका। सो लाइकवाइज बेटे, अगर मैं हाइड्रोक्सी से मिथॉक्सी चेंज कर दूं तो आपका सेम ही फैक्टर रहेगा, जस्ट आई एम राइटिंग मिथॉक्सी है। बिल्कुल सेम, ठीक है, बिल्कुल सेम, कुछ नहीं फर्क पड़ना, क्योंकि अगेन ऑर्थो पोजीशन पे तो ऑर्थो फैक्ट लग जाएगा, फिर आ जाएगा आपका मेटा पोजीशन, क्योंकि इसमें माइनस आई इफेक्ट है इसका। ठीक है, और फिर आपके पास आ जाएगा बेंजोइक एसिड, और फिर आपके पास आ जाएगा पैरा वाला, क्योंकि अगेन इसमें जो माइनस आई है, जो डिस्टेंस इफेक्ट है, वो बहुत दूर पड़ा है, दैट इज वाई। ओके हाँ जी, फॉर द पॉइंट। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सारे एसिड्स में ऑर्थो इफेक्ट लगता है, सिर्फ एक एसिड में नहीं लगता ऑर्थो इफेक्ट, जब आप अमाइनो ग्रुप्स ले आते हो NH2, क्योंकि तब ज्विटर आयन बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए ऑर्थो इफेक्ट उस केस में जब हम NH2, टाइम इज गोइंग अप, तो कल हम NH2 वाला देखेंगे, और टुमोरो देयर विल बी प्रैक्टिकल टू। ठीक है, ठीक है बेटे, तो हम देखेंगे वहां पे ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा। तो कंक्लूड करें तो हम ये देखें कि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते जा रहे हो, वैसे वैसे एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करता जा रहा है, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते जा रहे हो, वैसे वैसे एसिडिक करेक्टर आपका डिक्रीज करता जा रहा है। हाँ जी, ठीक है जी, चलो जी, हम कल मिलते हैं, और आपका कमिंग वीक एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट होगा, तो आई नो यू कॉन्ट प्रिपेयर द चैप्टर फुली वेल, तो जस्ट डू नेमिंग रिएक्शन फर्स्ट। ठीक है, नेमिंग रिएक्शंस पहले इस चैप्टर की, नेमिंग रिएक्शन एंड डिस्टिंग्विश टेस्ट, ये दो चीजें पहले करो आप।
ठीक है, कि आपका हाफ मोर देन हाफ क्लियर हो जाएगा चैप्टर। ओके, तो नेमिंग एंड डिस्टिंग्विश टेस्ट जितने आपसे होते हैं।